Welcome guys, welcome once again. This is lecture 6 of physics rising. Here we are going have started the physics class 12 chapter 1. Chapter 1 ka chhata lecture hai aur aaj ke lecture hamara important hone wala hai physical significance of electric field. In the previous videos we have discussed the electric field and the electric field due to a point charge, due to group of charges, due to continuous charge distribution and electric field in vector form also. Now I'll tell you the physical significance of electric field. Why should we calculate the electric field? Why should it is necessary to know the electric field around the charge? So in this lecture we discuss the physical significance of field. First of all, I'll define you that what is field. Field kya hoga? Field matlab Hindi mein jise hum kya kehte hain, kshetra. स्पेस अराउंड द ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट है उसके अराउंड का जो स्पेस होगा वो फील्ड कहलाएगा आपका. अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की. इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड अराउंड ए चार्ज वेयर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स. तो मतलब ये तो उसके अराउंड का स्पेस वो फील्ड कहलाएगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वो फील्ड चार्ज के बाहर जहां पर कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा. अब बात इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई तो अब बात आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन कैलकुलेट द फोर्स on test charge or at a particular point. किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करनी हो तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं. कल मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बताया था F वेक्टर अपॉन Q नॉट. तो यहां से अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी हो तो F वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? Q नॉट E वेक्टर. अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो उससे हम फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस है. इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेक करते हैं ताकि वहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैलकुलेट कर पाए. इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए. ना बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है सबसे पहले समझने की बात है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं कि आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज के अराउंड, कोई दो चार्जेस हैं उन चार्ज के अराउंड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही. उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें मैप पे पिक्टोरियली ड्रॉ करना हो यानी कि उसका चित्र बनाना हो तो उसको चित्र को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बना सकती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मैप पिक्टोरिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज. कोई कॉन्फिगरेशन है चार्ज का, ये दो चार्ज हैं, Q1 कोई चार्ज था और यहां पे Q2 कोई चार्ज है. इन चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको अगर हमें इसका चित्र अगर हमें बनाना हो डायग्राम तो उसको हम किससे बनाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिखाते हैं. इसके बाद में बात आती है नेक्स्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस चार्ज के लिए, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है. तो आपके मैंने बता चुका हूं दो प्रकार के चार्जेस होते हैं.
एक तो आपका प्लस क्यू और दूसरा आपका माइनस क्यू, ये दो तरीके के चार्जेस आपके हैं, इन दोनों से ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का करते हो। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड निकलती हैं। कैसे निकलती हैं? बाहर की तरफ निकलती हैं, ये इनकी डायरेक्शन रहती है हमेशा। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होगी, और नेगेटिव चार्ज में इसका बिल्कुल अपोजिट है तो इनवर्ड होंगी। कैसी होंगी? इनवर्ड। ये होंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस ले लूं, इसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस, तो उसको कैसे डिनोट करूंगा? तो मैंने दो चार्ज लिया, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, ये दो चार्ज हैं। तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव से इनवर्ड। तो पॉजिटिव से निकलेगी और वो कहां जाएगी? इधर जाएगी, ये उसकी डायरेक्शन रहेगी। ये उसकी डायरेक्शन रहेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर हमें, अब एक बात आती है कि अगर हमें डायरेक्शन निकालनी हो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टेंजेंट टू लाइन, जो लाइंस है उनका टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और वहां से आपको मिल जाएगा। जैसे इस लाइन का हमें डायरेक्शन निकालनी है, तो इस लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये इसकी यहां इस पॉइंट के ऊपर ये डायरेक्शन है इसकी। जैसे कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस पे मुझे इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि कौन किस डायरेक्शन में है, तो इसका टेंजेंट ये होगा, ये इसकी डायरेक्शन होगी, ये इसकी डायरेक्शन होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देगा। इसके बाद में ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस अनलाइक चार्जेस थे, इसलिए इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। इफ दिस बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव या लाइक चार्जेस, तो अगर प्लस क्यू और प्लस क्यू टू दो चार्जेस हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा? एक ये इस कंडीशन में क्या होगा कि इससे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे। वो कैसे निकलेंगे? आउटवर्ड होंगे, ये होंगी उससे, ये सिर्फ यहां तक जाएगा, एक दूसरे को ये कट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों ही आउटवर्ड होंगी। इससे भी तो ऐसे ही निकलेगी ना, ये यहां से क्या करेंगे एक दूसरे को, इस जगह पर रिपल्सन करेंगे, क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस फील्ड पे और इस फील्ड पे, इन दोनों पे क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये बोथ आर सेम चार्जेस, इसलिए। अगर ऐसे ही मैं नेगेटिव नेगेटिव लेता तो वहां पर भी क्या होता, आपका रिपल्सन होता। अब एक लॉन्ग शीट लेते हैं हम चार्ज की, कोई भी, इसमें कोई भी आप चार्ज ले सकते हो। जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, मैं सारा आपको पॉजिटिव चार्ज पे बता रहा हूं, आप नेगेटिव पे भी करके देख सकते हो। तो इसके लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? स्ट्रेट है, बाहर की तरफ निकलेगा, ये होगा आपका, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कंडीशन के लिए होगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको। Now next topic is property of electric field lines. Electric field lines की properties को अब हम discuss करते हैं। अभी मैंने total 7 properties को explain करूंगा जो आपके लिए important रहेंगी। First ये आती है कि discontinuous closed loop बनाएंगी, but lines are
कॉन्टिन्यूस, लाइन्स आपके हमेशा कॉन्टिन्यूस होंगी। अब डिसकंटिन्यूस क्लोज्ड लूप का मतलब क्या है, जैसे प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, वो कुछ इस तरीके से होंगी। तो क्लोज्ड लूप बनाने का मतलब ये था कि वो यहां से चल के वापिस यहीं आनी चाहिए थी, ये ऐसे होता तब जाके ये क्लोज्ड लूप बनता, लेकिन ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये डिसकंटिन्यूस क्लोज्ड लूप बनाता है। लेकिन लाइन एक चार्ज से शुरू होकर दूसरे पे जाके खत्म होती है, तो लाइन हमेशा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रहती है। इसके बाद में बात आती है सेकेंड प्रॉपर्टी की, मूव करते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, हमेशा सरफेस से नॉर्मल रहेंगी। जैसे प्लस क्यू चार्ज के लिए हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकालनी है तो ये जो एंगल होगा, ये हमेशा 90 डिग्री होगा, नॉर्मल रहेगा, ये एंगल्स हमेशा 90 डिग्री के रहेंगे, इसलिए ये ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। इसके बाद में बात आती है नेक्स्ट कि इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर से पास नहीं होती, यानी कि जैसे ये कोई कंडक्टर है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा सरफेस से शुरू होंगी। कहां से शुरू होंगी? सरफेस से शुरू होंगी। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी, यहां पे नहीं होंगी। तो डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर ये नहीं एग्जिस्ट करेंगी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है कि टू लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। मान लीजिए एक लाइन ये थी और दूसरी लाइन ये थी, इन दोनों ने इंटरसेक्ट कर दिया, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं इस लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं तो वो ये डायरेक्शन होगी, और अगर इस लाइन के लिए कैलकुलेट करूं तो वो ये डायरेक्शन होगी। तो यहां पर कितनी डायरेक्शन आ गई? टू डायरेक्शन। अगर टू डायरेक्शन ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, सिर्फ एक डायरेक्शन एग्जिस्ट कर सकती है, वो ही एक एग्जिस्ट करेगी, इसलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी आती है पांच नंबर कि ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब कि इलेक्ट्रिक जो कॉन्टेक्ट होता है इनका इलेक्ट्रिकली, वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, जो आपका कॉन्टेक्ट होता है, कॉन्टेक्ट आर लॉन्गिट्यूडनल। देखिए यहां से यहां तक दो चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, यहां से निकलेगी, ये कर्व के बजाय डायरेक्ट जाना ज्यादा पसंद करेगी, ऐसे स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी, लॉन्गिट्यूडनल होने की कोशिश करेगी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होने की कोशिश करेगी ये। तो ये लॉन्गिट्यूडनल कॉन्टेक्ट में होती है। इसके बाद में जो आपके अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, सॉरी लाइक चार्जेस प्लस क्यू, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी थी, इसकी ऐसे थी, ये पास नहीं कर रही थी ना एक दूसरे को यहां पे, तो ये क्या था, ये ड्यू टू लैटरल प्रेशर ऑफ चार्जेस, लैटरल प्रेशर जो चार्जेस का होता है उसकी वजह से होता है। अगर ये लैटरल प्रेशर दो अपोजिट चार्जेस का होता तो वो एक दूसरे को कैच कर लेते न, और सेम चार्जेस का है इसलिए उन्हें एक दूसरे को रिपेल कर चुके हैं। अब बात आती है सातवीं एंड लास्ट इंपॉर्टेंट, क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स शो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज्यादा भीड़ होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी किसी पॉइंट के ऊपर, उस पर उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट के ऊपर होगा, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होंगी।
तो ये थे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की 7 प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सातों की सातों मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पीछे जाके एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, तो प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आता है दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। ये होता क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टू चार्जेस। इसमें दो चार्जेस होंगे, इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे, एक प्लस एक माइनस, और दोनों के दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे, यानी कि एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू होगा, यहां से यहां तक ये इनका बीच का ओरिजिन होगा, और ये एक स्मॉल डिस्टेंस 2a से ये a और ये भी a से ये एक दूसरे से सेपरेटेड हो गए। अब बात आती है कि इसका ये बना क्यों, इसका काम क्या है, कैसे इसका क्रिएशन होता है, इसके लिए डायपोल मोमेंट कितना होता है, उसकी कैलकुलेशन तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में ज्यादातर आता है, 5 मार्क्स कवर करता है, तो प्लीज बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, दैट इज लेक्चर नंबर 7। थैंक यू गाइज, मीट आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक।